Hello everyone, once again welcome to our Desi Tea House. और मेरे साथ मौजूद हैं पिछले हफ्ते की तरह गुरमेहर कौर. आप सब इनको जानते हैं, मैं अब तारुफ तो नहीं करवाऊंगा. और गुरमेहर जो है वो इंडिया पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया की आवाज हैं और अमन की आवाज हैं, अच्छी की आवाज हैं और रवादारी की, भाईचारे की, सारी जो भी वैल्यूज जिनको हम अजीज समझते हैं. और इसी वजह से हमने ये फैसला किया था कुछ हफ्ते पहले कि हर वीकेंड पर हम जो एक गुफ्तगू करेंगे जो कि सियासत पर नहीं होगी और जो कि जो जो चीजें हमें डिवाइड करती हैं, जो चीजें नफरत कॉज करती हैं, हेट्रेड करती हैं, एंग्जाइटी करती हैं, जिंगोइज्म करती हैं, वो नहीं, क्योंकि हमारे पास और बहुत कुछ है जो कि हम कॉमन है हम में इंडिया और पाकिस्तान में. और अगर हम बाहर हों अपने मुल्कों से या अपने मुल्कों के अंदर हों तो हम नफरत के अलावा भी बहुत सारी जबानें बोल सकते हैं. वेलकम गुरमेहर जी, आपको मैं सत श्री अकाल तो नहीं, मैं क्या कहूँ, चलो मैं जी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, आदाब, बिल्कुल सलाम. तो अच्छा गुरमेहर, आज का जल्दी से जो है ना, हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताते हैं कि आज हम बात क्या करने वाले हैं. सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे बड़ी ट्रेजिक जो न्यूज है. कल हसीना मुइन साहिबा जो है पाकिस्तानी ड्रामे की एक बहुत बड़ी लिखारी और एक बहुत बड़ी आइकॉन, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं, एक बुलंद और रोशन सितारा, वो हम में नहीं रही काफी अरसे से. वो एक पहले उनको कैंसर की से रिकवर किया था उन्होंने और उससे लड़िंग थी, उसके बाद उनकी फिर सेहत जो है वो बिगड़ती गई और कल वो चली गई हमें छोड़कर. और पाकिस्तान में तो हम तो उनके प्लेज को देखकर बचपन से बड़े हुए, हमने बहुत कुछ सीखा, एंजॉय किया, एंटरटेनमेंट हुई. और हिंदुस्तान में भी मजे की बात ये है कि वहां भी धूप किनारे और तन्हाइयां जैसे जो अमर टीवी शोज हैं बहुत पॉपुलर हैं. तो आज मैंने गुरमेहर से यही पूछना है क्योंकि एज एन इंडियन, क्योंकि इन्होंने भी देख रखे हैं धूप किनारे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वजह थी कि वो हसीना मुइन के ड्रामे जो हैं वो इंडिया में इतने पॉपुलर थे. मैं स्ट्रेट आपसे सवाल ये कर रहा हूँ गुरमेहर, ताकि आप बताएं कि यही बात है कि आर्ट और कल्चर और हमें किस तरह जोड़ता है, हमारे दरमियान जो दीवारें और नफरतें हैं उनको किस तरह गिराता है. तो थोड़ा सा हसीना मुइन के बारे में पहले. जी जी, तो रजा मैं ये कहना चाहूंगी अव्वल तो ये कि मैंने कुछ घंटे पहले आपने एक और शो किया था मारवी सरमद साहिबा और सादिया अहमद गालिबन उनके साथ, और उससे मेरी समझ में बहुत इजाफा हुआ क्योंकि जाहिर सी बात है वो दोनों पाकिस्तानी खवातीन हैं तो जिन बारीकियों से वो वाकिफ हैं, वाकिफ थी, उनके बारे में सुन के मतलब मेरी समझ में बहुत इजाफा हुआ. मैं बात करूंगी, उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, तो बात को आगे बढ़ाते हुए बहसियत एक हिंदुस्तानी एज अ दिल्ली गर्ल, आपने इस बात की निशानदेही भी की थी कि हिंदुस्तानी आम तौर पे और खुसूसन जो शुमाली हिंदुस्तान के लोग हैं, इंडियंस इन जनरल एंड नॉर्थ इंडियंस इन पर्टिकुलर, एक बड़ी अपनाइयत महसूस करते हैं और करते थे पाकिस्तानी ड्रामों को देख कर, क्योंकि अदबी तौर पर, सकाफती तौर पे, जबान के हवाले से इतना कुछ मिलता जुलता है. हमारी खूबियां भी मिलती जुलती हैं, हमारे मसले मसाइल, हमारी खामियां भी मिलती जुलती हैं. तो बहुत वेरी रिलेटेबल जिसे कहते हैं वो आपके ड्रामे हमारे लिए हुआ करते थे. तो मैं अव्वल तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने इस बारे में बात की ना कि किस तरह से रात के 8 बजे वो ड्रामे आते थे और किस तरह से जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती थी एक तरह से. तो हमारे लिए तजुर्बा थोड़ा मुख्तलिफ इस तरह से था कि हम तो वीडियो कैसेट पार्लर से वीडियो कैसेट की सूरत में ड्रामों को आमतौर पे देखते थे, सिवाय उन लोगों के जो पंजाब के बॉर्डर इलाकों में थे जिन जो सादे एंटेना से पीटीवी कैच कर लेते थे. लेकिन दिल्ली में, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं एज अ दिल्ली गर्ल, तो हम लोग तो वीडियो कैसेट पार्लर्स में जाते थे और बड़ी बड़ी कतार सी भी होती थी, कभी कभी बुकिंग करनी पड़ती थी, इंतजार करना पड़ता था और तब जाके हम इन ड्रामों को देख पाते थे वीडियो कैसेट्स की सूरत में. और तो इस तरह से हम इनको देख पाते थे. और मारवी और सादिया ने बड़ी तफसील से बात की, एक ख्वातीन का नज़रिया कह लीजिए, एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कह लीजिए, उस पर भी मैं एक दो बातें कहना चाहूँगी. लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे लिए यू नो हिंदुस्तानी, बहसियत एक हिंदुस्तानी, जब हम इन ड्रामों को देखते थे
जिनकी टोन, मतलब हसीना मोइन साहिबा के अलावा भी लोगों ने ड्रामे लिखे उस दौर में, लेकिन जिनकी टोन उन्होंने सेट की उस दौर के ड्रामों की, तो हम बड़ी, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी, पिछली किस्त में भी हमने बात की थी कि अपनाइयत और अजनबियत दोनों महसूस होती थी। तो जिस तरह की जबान इस्तेमाल होती थी, जिस तरह का लहजा होता था डायलॉग डिलीवरी का, वो महजब महजब जबान लहजा, तो वो उसे हम तकरीबन हसरत ज़दा नज़रों से भी देखते थे कि यू नो इट वाज द डिमार्केशन ऑफ अ मोर जेंटील टाइम। क्योंकि आज भी अगर हम उन ड्रामों को दोबारा जाके रीडिस्कवर करें, अगर नौजवान नाज़रीन यूट्यूब पे या जहाँ पे भी वो दस्तियाब है उन्हें दोबारा जाके देखें, तो हमें एहसास होता है कि वो जो तमीज़ तहजीब थी वो सिर्फ सतह ही नहीं थी, इट वॉज अ होल वे ऑफ इंगेजिंग विद द वर्ल्ड, इट वॉज अ मोर जेंटील वर्ल्ड। तो आजकल जो इतनी मगजमारी है, इतनी जद्दोजहद है रोजमर्रा की जिंदगी में, इट वाज अ सॉफ्टर स्लोअर पेस ऑफ लाइफ जिसमें तमीज तहजीब उसको देख के भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता था, आई वुड से और खासकर मेरे जैसे इंसान के लिए, एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर अ लॉट ऑफ इंडियंस व्हेन आई से दिस, जिससे उर्दू से इश्क हो चला था। तो बाकायदा उर्दू में तो हम में से किसी ने तालीम नहीं हासिल की, हम सब हिंदुस्तानियों ने जो है हिंदी फिल्मी गीतों से उर्दू सीखी है, पाकिस्तानी ड्रामों से सीखी है, यारी दोस्ती में इश्को आशिकी में सीखी है, और बाद में कुछ लोगों ने जाके बाकायदा सेल्फ स्टडी भी की है, जैसे किताबें पढ़ने की कोशिश और ये सब। तो ये उर्दू सीखने का या उर्दू को का मतलब ये ऑल ऑफ इट वाज इट वाज बड़ा, जिसे कहते हैं ना, लुत्फ का मामला था हमारे लिए। हम इन ड्रामों को प्ले करते थे, अपने वीडियो कैसेट्स की सूरत में देखते थे, तो हमें लगता था कि एक बड़ी एक जादुई दुनिया सी हमें लगती थी। आई डोंट थिंक आई एम ओवरस्टेटिंग इट व्हेन आई से दैट बिकॉज इट वाज, और ड्रामों की एक बात है ना, हम बात करते हैं, हिंदी फिल्मों की बात होती है और पाकिस्तानी ड्रामों की बात होती है, तो फिल्मों का जाहिर है अपना एक ग्लैमर है, एक स्टार पावर है, और हिंदी फिल्में एक मकाम रखती हैं देसी लोगों के लिए, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सबके लिए। लेकिन ड्रामों की एक बात यह है कि क्योंकि वो किस्तों में हम उनको देखते हैं, तो यू सी देम ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उन ड्रामों के किरदार हमारे खानदान का हिस्सा हैं। मतलब सम ऑफ दोज कैरेक्टर्स आर सो दे बिकम दे फील लाइक देयर पार्ट ऑफ योर फैमिली, और फिर जब वो ड्रामा खत्म होता है तो लगता है कि अरे अब डॉक्टर जोया नहीं मिलेंगी हमें, या जारून को हम नहीं देख पाएंगे, और तो इस तरह का एक ड्रामों की एक अलग नोयत होती है इस लिहाज से। लेकिन गुरमेह मुझे ये भी बताओ कि मैं जब हिंदुस्तान गया और बहुत सारे हिंदुस्तानी फ्रेंड्स से बातचीत होती थी, तो वो मुझे कहते थे कि हमें ये देख के बड़ी हैरानगी होती है कि पाकिस्तान में लोग कैसे रहते हैं, और इस तरह की लड़कियां भी होती हैं, कॉन्फिडेंट, डॉक्टर भी बन रही हैं, काम भी कर रही हैं, नौकरियां भी कर रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि रवायती मुस्लिम में एक इमेज जो है, खासकर इंडियन सिनेमा में जो मुस्लिम सोशल में जो इमेज आया था ना कि नकाब और पर्दा और बुरका और चिलमन, ये जो चिलमन है, और ये कि वही जो एक स्टीरियोटाइपिकल व्यूज थे। अब जारी बात बदल रहा है, हिंदुस्तान भी बदल गया है, पाकिस्तान भी बदल रहा है, तो आपको भी ऐसा लगा कि इट रिप्रेजेंटेड समथिंग डिफरेंट एज अ पाकिस्तानी इमेज के लिए? जी जी बेशक रजा, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, क्योंकि होता यह है कि जब, मतलब अफसोस की बात यह है कि क्यों, बावजूद इसके कि हम हमसाया ममालिक हैं, मैं तो कहूँगी हम बिरादर ममालिक हैं, उसके बावजूद क्योंकि राबता कम होता है, बंदिशें इतनी हैं, तो लोगों के जहन में अपना एक तासुर होता है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, जिसे अदरिंग कहते हैं एकेडेमिया में, तो वो अदरिंग इसलिए होती है क्योंकि वाकई रापता नहीं हो पाता है, और हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब इंटरनेट भी नहीं था। तो यकीनन इन ड्रामों ने एक बड़ी मुस्बत और एक बड़ी तरक्की पसंद किस्म की छवि कह लें या तस्वीर हमें पाकिस्तानी खवातीन की दी, और बड़ी अच्छी बात है ये कि ऐसा हुआ कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी खवातीन हैं डॉक्टर हैं और खुश हैं, खुशबाश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें अपने वजूद का एहसास है, और अपने समाज के दायरे में रहते हुए भी वो अपनी बात सलीके से रख रही हैं, मजबूती से रख रही हैं। तो ये एक बड़ी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, मैंने इन किरदारों को हसरत ज़दा नज़रों से भी देखते थे, फैशन आइकॉन्स भी थी हमारे लिए, मरीना खान साहिबा, आई मीन सच अंडरस्टेटेड ग्लैमर शी हैड, एंड वी वर ऑल बिग, शी वाज अ स्टाइल आइकॉन फॉर सो मेनी ऑफ अस, एंड अ बिग क्रश
for a lot of Indian audiences as well. So, और इनके रोमांस के बारे में ये जो धूप किनारे का जो ड्रामा है, क्योंकि तफसीली गुफ्तगु तो आप कर चुके हैं एक पिछले शो में, लेकिन जो धूप किनारे को मैं तकरीबन एक कहना चाहिए एक तरह से एक फेमिनिस्ट लव स्टोरी भी है ये, क्योंकि इसमें जो 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 जोड़ा है, जो कपल है मरीना खान और जो उनके साथ हैं, तो वो ही इज द हीरो इज मच ओल्डर, उनमें उम्र का काफ़ी फासला है हीरो हेरोइन में, लेकिन बावजूद इसके ऐसा कहीं नहीं लगता कि जो बंदी है, क्योंकि उम्र का उम्र में काफ़ी छोटी है, वो कहीं यू नो ऑस्ट्रक है या उसका अपना कोई वजूद नहीं है, वो अपनी बात रख नहीं पा रही, कि उसको लग रहा है कि भाई ये पेशे में भी मुझसे सीनियर है, उम्र में भी फासला है, बट उसकी अपनी एक पहचान है वो यू नो, तो वो भी एक तरह से जो रोमांस में भी क्योंकि एक पावर डायनामिक होता है, तो उस लिहाज से भी एक बड़ी अपने दौर से आगे कहना चाहिए ये ड्रामे उनके हुआ करते थे, और तरक्की पसंद सोच नजरिया सेंसिबिलिटी इस ड्रामे की थी, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और अलावा इसके जो रोमानवी पहलू थे, दे वर सम वेरी डेलिकेट खूबसूरत महकते हुए लम्हात, क्योंकि इश्क की अपनी जबान होती है, तो वो जिसका अपना एक लॉजिक अपना एक जवाज होता है, द हार्ट हैज इट्स रीजंस एज दे से, तो उस लिहाज से भी बड़ा दिलकश था और पाकिस्तानी अदाकारा आपकी भी पसंदीदा अदाकारा है वो मायरा खान, उन्होंने मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, तो हाल ही में उनका एक बड़ी अच्छी पोस्ट थी उनकी, जिसमे उन्होंने लिखा था कि आई एम you know basically the point she was making, I'm paraphrasing, mujhe exact alfaz wo bahut nahi yaad, lekin wo kehti ye hai ki people call me a rebel whereas actually I'm really only a romantic, to aaj ke daur mein kabhi kabhi aap romantic hote hain usko log rebel mante hain, kyunki ishq apne aap mein ek inqilabi cheez hai, ha ha bilkul ishq bilkul inqilabi cheez hai aur jo hai na sirf inqilabi hai balki I think जिंदगी का जो असल माने हैं वो भी तो मोहब्बत में ही वापस है ना, चाहे वो आपको रोमांटिक मोहब्बत हो या अपने फैमिली से मोहब्बत हो, अपने वतन से मोहब्बत हो, अपनी मिट्टी से हो, बेशक फिजिक्स से हो, यू नो अपनी नेचर से हो, तो उसकी जिंदगी नामुकम्मल है। और हम में से कुछ लोग तो जैसे स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं तो जी जो फैज हमारे लिए हमें हिदायत दे गए, बिकॉज एज यू नो एज अ बिलव्ड सबकॉन्टिनेंटल पोएट, तो जो वर्क लाइफ बैलेंस का मगरिब में लोग जिक्र करते हैं, तो मैं तो फैज की दी हुई हिदायत पे चल रही हूँ कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया। बिल्कुल सही है जी जी। अच्छा तो एनीवे, तो और इसके अलावा ये बताएं कि जो जारी बात है कि आप और मैं तकरीबन एक ही जनरेशन से हैं जी जी, जैसे कि आप मुझसे थोड़ी सी छोटी हैं, सो लेट मी आल्सो नॉट बाय मच क्लेरिफाई, ताकि आपको ये ना लगे कि आप भी मेरी उम्र की हैं, मगर जो हमारे बाद की जनरेशन हैं, देखिये उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बिकॉज इतनी ज्यादा आयरन कर्टन्स वगैरह आ गए, लेकिन उनके पास इंटरनेट की पावर है, हमारे जमाने में वीडियो कैसेट्स चलती थी और उनके पास अब इंटरनेट है, ये यूट्यूब है, जिस तरह हमारा यूट्यूब पे लाइव हो रहा है और फेसबुक है, तो उससे जाहिर बात है कि ये वॉल्स जो हैं ये डिमोलिश होती हैं। बिल्कुल। और दूसरा मुझे ये बताइए कि ये जो मैं अक्सर ये सुनता था जब भी ये ड्रामे खसूस तन्हाइयां के बारे में, एंड पीपल वर वेरी क्यूरियस के अच्छा पाकिस्तान में ऐसे भी होता है, पाकिस्तान में ऐसे भी होता है, फैमिलीज ऐसे भी होती हैं, तो वो आपको पता है वो एक इमेज बन गया ना पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली, तो अभी भी लेकिन आप मुझे बताइए कि इसके अलावा जो है इन प्लेस की मानवीयत, क्या ये अच्छा ना हो कि हमारे ड्रामे जो है वो इंडिया में ब्रॉडकास्ट हो, इंडियन प्लेस यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो, क्योंकि आप पाकिस्तान में स्टार प्लस बहुत पॉपुलर था एक जमाने में जी जी, वो जो न्यूज के प्रोग्राम्स होते थे, क्योंकि जो केबल ऑपरेटर्स थे ना वो बगैर इजाजत स्टार प्लस के सब प्लेस लगा देते थे जी जी, और उनकी जो रेटिंग होती थी वो सारे न्यूज चैनल से ज्यादा होती थी जी, जी। में हमारी कोर्ट्स ने कहा कि जी ये तो दुश्मन कोर्ट ने के पता नहीं गवर्नमेंट ने कहा, और फिर वो उनको बैन कर दिया गया, अब भी अब लोग दे गो टू यूट्यूब एंड फॉलो दैट, तो मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो
अभी ये जो पीस की एफर्ट्स भी हो रही हैं, जनरल बाजवा हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक स्टेटमेंट स्पीच की, और मोदी जी ने आपने देखा कि उन्होंने एक लेटर लिखा इमरान खान को, तो मेरे वो इससे पहले कि डायलॉग शायलॉग और ये इसकी बातें करें, सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए कि उनको इजाजत देनी चाहिए कि हमारे जो टीवी प्रोडक्शंस हैं और कल्चरल प्रोडक्शन जो हैं वो रिले हो, वो एक दूसरे के में दिखाई जाएं। जी बिल्कुल बेशक। और मैं तो ये मानती हूँ कि जी आपके जो ड्रामे हैं, जो खासकर जो हसीना मोइन साहिबा ने जो जिनको लिखा था, दे वर सो रिफाइंड, उन सेंसिबिलिटी के हवाले से इतनी इतनी उनमें यू नो सिर्फ सतही तौर पे नहीं, सोच में भी नज़ाकत थी, अल्फाज में भी शायस्ती थी, मुहज़्ज़ब लहजे में बातें होती थी, तो बल्कि अच्छा बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से अच्छी बातें सीखें, जो हम में बेहतर पहलू हैं वो आप हमसे लें और जो आप में खूबियां हैं वो हम आपसे लें। तो हमारे जो टिपिकल जो हमारे जो हिंदुस्तानी टीवी के बारे में कहा जाता है, हमारे जो सास बहू और साजिश नोयत वाले जो ड्रामे हैं जिनमें खूब सारा जेवर पहन के खवातीन आती है क्रिसमस ट्री बन के, मतलब शादियों में भी मैंने खवातीन वैसी नहीं देखी क्रिसमस ट्री जैसी जैसी हमारे कुछ ड्रामों में हिंदुस्तानी ड्रामों में आती है, तो मुझे अफसोस होता है ये देखकर कि आपके ड्रामे पहले इतने अच्छे थे तो आप उस यू नो उस रिवाज को, उस ट्रेडिशन को और आगे बढ़ाते और उसको तराशते, बनिस्बत इसके कि हमारे जो सास बहू और साजिश किस्म के ड्रामे हैं उनकी नकल की जाए। यस यस, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये वाकई में ऐसा होता है आपके यहाँ रसोई किचन में सब इतना जेवर शेवर पहन के, साड़ियां पहन के, दुल्हन बन के खड़ी होती है, क्या ये इज इट रियलिटी और नॉट? बस वाकई, मतलब ये तो वाकई, और एक एक चीज और इनमें होती है ना, एक जो ट्रोप बन गया इन ड्रामों का कि वो कोई बड़ा धांसू डायलॉग जब डिलीवर होता है, अगर मैं बम्बईया जबान में कहूँ तो वो तीन बार उसको दिखाते हैं, तीन बार दोहराया जाता है, वो थैंक 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 वो तीन बार होता है, तो वो भी एक अपना ही है। वो हम कभी अगली बार हम करेंगे वो आपने जी वाला जो है जी रसोई में क्यों गई थी और पता जूस गिर गया था साड़ी के ऊपर समथिंग, उसके ऊपर लोगों ने बहुत मजाक बनाया जी, वो बहुत पॉपुलर था। अच्छा तो मेरे ख्याल से हमने ये ड्रामों की तो बात कर ली जी, और हसीना मोइन साहिबा की एक बात और जो कि जिसकी बस मैं आई जस्ट वांट टू फ्लैग इट निशानदेही कि उन्होंने हिना जैसी बड़ी हाई प्रोफाइल फिल्म भी राज कपूर साहब की का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था इंडो पाक लव स्टोरी, क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी, जिसमें ऋषि कपूर साहब थे और ज़ेबा बख्तियार पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत अदाकारा जिनका हंसता दमकता नूरानी चेहरा हिंदुस्तानी नाजरीन को अब भी याद है, तो वो भी थी उस फिल्म में, ऋषि कपूर थे और इसकी जो डायलॉग राइटर थी वो हसीना मोइन साहिबा थी, और उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए थे क्योंकि हिंदुस्तान में अफसोसनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो उसके चलते फिर इतनी पब्लिकली वो क्रेडिट उनको नहीं मुनासिब समझा गया कि पब्लिकली उनको क्रेडिट दिया जाए, वो खुद भी नहीं चाहती थी कि इन हालात में ऐसा हो क्योंकि शी ऑब्वियसली हर स्टैंड वाज क्वाइट क्लियर ऑन समथिंग एज समथिंग वेरी टेरिबल दैट हैड हैपेंड इन इंडिया, लेकिन अब यू नो वी कैन टॉक अबाउट इट कि वो उस फिल्म की डायलॉग राइटर, इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल बॉलीवुड फिल्म की स्क्रीन राइटर डायलॉग राइटर भी वही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं, और डायलॉग तो उनकी खास स्ट्रेंथ थी ना, क्योंकि देखें ड्रामे का जो जॉनरा है या जो सिंफ है उसमें तो डायलॉग इज सेंट्रल, मतलब उसकी बहुत अहमियत होती है, उसके बगैर जो है वो ना तो कहानी आगे बढ़ती है ना एक्शन ना दीगर प्लॉट होता है। चलो गुरु के ख्याल से हम अगली जो हम बात करना चाह रहे थे फिल्म आंधी के बारे में, एक क्लासिक फिल्म है और आप का जिक्र किया कि आपको वो बहुत पसंद है, खुसूसन उसका म्यूजिक आपको पसंद है, 1995 में मेरे ख्याल से ये रिलीज हुई थी और बेहतरीन एक्टर्स ऑफ कोर्स संजीव कुमार जो के उनसे जबरदस्त एक्टर तो मेरे ख्याल से कम ही है इस तरह के और जो है, और ये लूजली बेस्ड है एक ट्रू स्टोरी के ऊपर, ऑफ कोर्स नॉट 100% लेकिन लूजली उसके ऊपर बेस्ड है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि आंधी आपने क्यों सजेस्ट किया, जब अब हम बात कर रहे थे क्या वजह थी कि आपको आंधी जो है वो इतनी स्ट्राइक करती है?
जी, मैं सोच रही थी कि क्योंकि यू नो वन ऑफ द थिंग्स वी डू थ्रू द इंटरनेट, बिकॉज सोशल मीडिया इज एसेंशियली माना जाता है, तासुर तो ये है कि इट्स अ यंग मीडियम, नौजवान तबका खासी तादाद में सोशल मीडिया पे होता है. तो हम चाह रहे थे, आपने और मैंने इसके बारे में बात भी की थी, कि ये एक कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेके चलें, मुख्तलिफ उम्रों के और एज ग्रुप्स और बैकग्राउंड्स और तबकों के लोगों को साथ लेके चलें. तो जो आजकल तो हर चीज़ यूट्यूब पे दस्तियाब है और पुरानी फिल्में भी दस्तियाब हैं, और बल्कि आप उन फिल्मों को सपोर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको गैर कानूनी तौर पे उनको डाउनलोड करना पड़े, आप उन फिल्मों को बाकायदा सपोर्ट कर सकते हैं. आमतौर पर $5 $5 $3 में भी $4 में भी आपको ओरिजिनल प्रिंट अंग्रेजी सब टाइटल्स के साथ तकरीबन हर हिंदी फिल्म का आप बाकायदा खरीद के देख सकते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड वे टू रीडिस्कवर क्लासिक्स. अगर आप यू नो आप नौजवान तबके के हैं, आपने ये फिल्म नहीं देखी है, तो आंधी इज अ वंडरफुल इज अ क्लासिक. और तो ये एक मोटे तौर पे मैं ये बात कहना चाहती थी कि अब आपको वो डाउनलोड करके टॉरेंट और ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप आर्ट को सपोर्ट कर सकते हैं ये फिल्में $3 में $4 में खरीद के. इससे ज्यादा तो आपका मल्टीप्लेक्स में खर्चा हो जाता होगा पॉपकॉर्न और टिकट खरीदने में. तो दिस इज अ गुड वे टू सपोर्ट गुड सिनेमा. और इसके हम सोच रहे थे कि वैसे तो बहुत मतलब वसी मौजू है, इस पर काफी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन हम मौसीकी पे फोकस करना चाह रहे थे इसका, क्योंकि इसका म्यूजिक बहुत अच्छा यादगार संगीत था मौसीकी के हवाले से. गुलजार के बोल अल्फाज और आर डी बर्मन जिन्हें पंचम दा भी कहते थे, बंगाल से उनका ताल्लुक था, तो उनकी मौसीकी, सो दैट वाज लाइक वो जोड़ी ऐसी थी, साझेदारी ऐसी थी कि कई यादगार जो फिल्म का पैथोस है, जो उसकी एक खास मूड है जी, और देखिए ना वो मतलब उसमें यही है कि वो पॉलिटिक्स के लिए जो है सुचित्रा सेन जो है आरती देवी वो अपना जो है जाति जिंदगी और अपनी जाति खुशी जो है उसको सैक्रिफाइस करती हैं फॉर अ लार्जर कॉज. और फिर वो एक दिन वो मिलते हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने फॉर्मर हस्बैंड से, जिनसे तकरीबन वो ही स्टिल है हस्बैंड जी जी. और फिर वो अपनी बीती हुई यादें जो हैं उनको दोहराते हैं जी, और जी. जैसे कि होता है इस तरह की फिल्मों में अगले दिन वो वापस चली जाती हैं जी, जी. तो आपको इसके गाने बहुत पसंद है, मेरे ख्याल से आप इसका जो एक गाना तो सुनाइए जरा. जी जी नहीं, और हम इस गाने पे ऑफ स्क्रीन बात भी कर रहे थे कि होता यह है कि आर डी बर्मन का जो म्यूजिक होता था, संगीत इतना जबरदस्त होता था, इतना कंपेलिंग, इतना सोलफुल, इतना मेलोडियस होता था कि बाज दफा गुलजार जैसे यू नो लिरिसिस्ट भी, जिनके लिरिक्स इतने दमदार और इतने खूबसूरत होते थे, लेकिन वो संगीत के नीचे थोड़े दब जाते थे. यू नो संगीत हावी होता था और यू नो अल्फाज पे इतनी तवज्जो नहीं देते थे लोग, लेकिन जाती तौर पे आई हैव दिस थिंग फॉर लिरिक्स, आई टेंड टू फोकस ऑन लिरिक्स एज मच इफ नॉट मोर देन म्यूजिक. तो उसका ये जो गीत है ना जो हम सब गुनगुनाते हैं, लेकिन शायद हमने इतना गौर ना किया हो कि जो तुम जो कह जी वो जो है कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी नहीं. तो ये जो बड़ी बड़े सादा से बोल लगते हैं अगर हम सतही तौर पे देखें कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, यानी सही बात है, हकीकत पसंद बात उन्होंने की है कि भाई किसी की जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी नहीं, यानी व्हेन यू मिस आउट ऑन समवन हु इज अ पोटेंशियल सोलमेट, योर लाइफ इज नॉट एज इंस्पायर्ड और एज inspirational as it could have been. तो मतलब उतनी मानी खेज, उतनी खूबसूरत आपकी जिंदगी नहीं होती अगर जिससे आप इश्क करते हैं वो आपकी जिंदगी में ना हो. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी बंद हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है. और गुलजार ने इस बात को एक और तनाजुर में बड़ी खूबसूरती से इसी कैफियत इसी जज्बे को रखा था कि जिंदगी बहते दरिया की तरह अपनी राह निकाल लेती है. सो वी डू गेट ऑन, वी ऑल हैड हार्ट ब्रेक्स, वी डू गेट ऑन, ऐसा नहीं है, वी डू मूव अलोंग. जिंदगी बहते दरिया की तरह अपनी राह निकाल लेती है, लेकिन वही बात कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी नहीं. तो ये बड़े हम लोग शायद यू नो हम सब इस गीत को जानते हैं, लेकिन ये अल्फाज मेरे जहन में रह गए. आप तो प्लीज गा के सुनाइए ना. जी 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 जी. तो
इसमें अगर हम याद करें तो मंजर कुछ यूं है कि जैसा कि आपने कहा कि वो कई सालों बाद मिल रहे हैं, तो कैसा जोड़ा है संजीव कुमार सुचित्रा सेन का, जिनमें जज्बा है, जज्बे की पाकीज़गी शिद्दत है, लेकिन वक्त उनके पास कम है, अगले दिन उन्हें जुदा हो जाना है। तो वो गुलजार साहब उस जज्बे की अक्कासी कुछ यूं करते हैं कि तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो और जिंदगी तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। और इसके साथ जोड़ देती हूँ मैं जस्ट अ सेगवे इनटू, क्योंकि हमने हसीना मोइन साहिबा की बात की कि वो हिना की डायलॉग राइटर थी, और ऋषि कपूर साहब भी हमारे बीच अब नहीं रहे, आप बिलवड सब कॉन्टिनेंटल आइकॉन और बड़े चहेते हमारे अदाकार हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी शान में ये कवाली जो हिना में है। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, कहाँ है रौनके, कहाँ है रौनके महफिल यही सब पूछते हैं, कहाँ है रौनके महफिल यही सब पूछते हैं, बारहा तेरे न आने का सबब पूछते हैं, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जबरदस्त भाभी, आप तो ये तो आपने मुझे भूली बिसरी कवाली है ये हिना के गाने जी, 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 जी। याद करवा दिया। लेकिन आपको पता है आंधी का एक और बहुत उम्दा गाना है, और वो भी मेरे ख्याल से न सिर्फ ये कि जबरदस्त वो गाना है, उसकी कंपोजिशन इतनी जबरदस्त है, बल्कि उसकी शायरी जो है वो बहुत ज्यादा पाएगी, और वो है इस मोर से जाते हैं जी, जी। कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, इस मोड़ से जाते हैं। और आप देखें ना उसकी उसकी कुछ लाइनें हैं तो इस तरह की है कि मुझे याद कर, मुझे तो ज़बानी याद है वैसे ये वाले सारे गाने की, सुन सुन के पूरी जी, जी, असल वो कि आंधी की तरह उड़कर एक राह गुजरती है, आंधी की तरह उड़कर एक राह गुजरती है, शर्माती हुई कोई कदमों से उतरती है, वाह वाह, इन रेशमी राहों में एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है। देखिए क्या उम्दा शायरी है, और क्या आला पाए की गुलजार साहब की तो जो लिरिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल ये जो है कोई हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि आप प्ले कीजिए, देखिए हम प्ले नहीं कर सकते ये वाले गाने, उसकी वजह ये कि यूट्यूब कमबख्त जो है ये हमारी वीडियो को वो स्ट्राइक कर देगा कि कोई कॉपीराइट, क्योंकि लोग यहाँ से हम तो यहाँ पर जो है गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन बहुत से लोगों ने उसको पैसा कमाने का जरिया बनाया हुआ है, इस वजह से हम वो दिखा नहीं सकते अनफॉर्चुनेट। इस वजह से आपको मेरी गायकी, एक मेरी गायकी की वजह एक ये भी है कि कॉपीराइट का जो मसला है, वरना अब देखिए अब मेरी भी हिमाकत की लता जी के गाए हुए, आशा जी के गाए हुए, किशोर मोहम्मद रफी के गाए हुए गाने हैं ये, तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लेकिन एक कॉपीराइट का मसला भी है, बिल्कुल है। और इसका एक और जो है ना, इसकी एक और लाइन बड़ी अच्छी है गुरमेहर, मैं तुम्हें याद करना तो मुझे जरा कि हाँ वो है कि एक दूर से आती है पास आके पलटती है, एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है, वाह वाह, और ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी
तुम तक जो पहुंचती है। ये तो यानी कि और आपको पता है कि आंधी की एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है जो हमने नहीं ज्यादा उस पर बात की क्योंकि हम पॉलिटिक्स पे नहीं बात करते, चूंकि वो लूजली इंदिरा गांधी जी की जिंदगी पर बेस्ड थी जी, और पॉलिटिशियंस जो है वो आज भी चाहे वो डायनेस्टी की क्यों ना हो, इन इंडिया पाकिस्तान दोनों में बहुत डायनेस्टीज को बुरा कहा जाता है, लेकिन उनकी जो सैक्रिफाइसेस और जो उनको डिफिकल्टी से डील करना पड़ता है वो भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। जैसे हमारे यहाँ बेनजीर भुट्टो साहिबा जो थी, आपको पता है कि जब उनकी प्राइम मिनिस्टर बनी वो दो बार और फिर अपोजिशन में थी फिर एग्जाइल में चली गई, लेकिन यहाँ पर उनके शौहर को जो फिर बाद में प्रेसिडेंट बन गए उनकी मरने के बाद, वो उनको कोई 11-11.5 साल जेल में रखा गया। आप सोचें कि यू नो शी गॉट मैरिड एंड शी गॉट आई थिंक 86-87 में शादी हुई थी 87 में और 88 के एंड में वो प्राइम मिनिस्टर बनी, 90 में उनको फारिग किया तो हस्बैंड वाज इन जेल और फिर उसके बाद वो 3 साल के लिए दोबारा बनी, 2.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर वो निकली और फिर वो ही वाज इन जेल फॉर अनदर 6-7 इयर्स। तो हैड kind of जी नहीं, पब्लिक लाइफ में हमेशा प्राइवेट लाइफ की सैक्रिफाइसेस होती हैं जो हमेशा हम उनको एहसास यू नो हमें एहसास नहीं होता कि जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा कुर्बानियां होती हैं। हाँ, पता नहीं क्या ये वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कभी इस पे भी बात करेंगे कि देखो यू नो जिन्ना साहब, गांधी जी, नेहरू, ये सारे जो बड़े आइकॉन्स थे पॉलिटिकल आइकॉन्स, इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा मेस्ड अप थी, थी नहीं एक्चुअली, तो मतलब यू नो दे ऑल वर आइदर एस्ट्रेंज्ड और डिवोर्स्ड और व्हाटएवर, सो वो तो नहीं होता था, लेकिन मैं और आपको ये कहना चाहता हूँ कि फाइनली इसकी आंधी में एक और जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज है, ये आजाद साहब की ये लोग लगा रहे इंडिया विंस फ्रीडम से और भी आप देखें कि उसमें भी जो है ये जो लोग देख रहे हैं वो पढ़ सकते हैं जी, यू नो आई टोल्ड इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ सैड स्टेटमेंट यू नो जी जी मौलाना आजाद अबुल कलाम आजाद जी 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 यू नो आई रिमेंबर द डे व्हेन 3 years ago आई स्टार्टेड बॉम्बे टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ वर्किंग कमेटी, माय वाइफ हैड कम अप टू द गेट ऑफ माय हाउस टू बिड मी फेयरवेल, आई वाज नाउ रिटर्निंग आफ्टर 3 years बट शी वाज इन अ ग्रेव and my hope was empty. I remember the lines of Wordsworth, but she's in a grave. I know the difference to me. तो ये देखिए मतलब ये बहुत कभी इस पे डिटेल बात करेंगे, खैर बहरहाल आज तो हम तो अब हम क्विकली हमारा वक्त तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन लोग मेगन मार्कल के जो इंटरव्यू उन्होंने ओपरा विनफ्रे को दिया ब्रिटिश रॉयल फैमिली की सताई हुई बहू मुजालिम बुढ़िया सास जो है वो जो कुछ मुजालिम किया, सो जस्ट टॉक अ बिट अबाउट दैट एंड देन वी कैन शो सलोनी कॉज वीडियो you know? जी 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 तो मैं मुस्कुरा जो रही थी वो उस पे उस बात इस पे नहीं कि मतलब आई वाज नॉट यू नो सॉर्ट ऑफ रिडिक्यूलिंग एनी एंग्विश दैट एनीबॉडी इन द ब्रिटिश रॉयल फैमिली माइट बी फीलिंग, मैं मेगन मार्कल के आंसुओं पे हंस नहीं रही थी, मैं जो उसके इर्द गिर्द जो हमारे देसी पॉप कल्चर में जो उसका मुजाहरा हुआ, जो उसका एक्सपोजिशन हुआ, और एक ये तो काफी अरसे से चला आ रहा है क्वीन एलिजाबेथ का पंजाबी में बोलना, उसके वीडियोस तो अरसे से पाकिस्तान में भी बनते आ रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो है मेगन मार्कल के ओपरा विनफ्री के साथ जो उनका हाई प्रोफाइल इंटरव्यू हुआ उसने कुछ ऐसी इट रियली स्ट्रक अ कॉर्ड, कुछ उसमें कुछ उसकी कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जो देसी लोगों के जो देसी लोग जो यू नो जिसने देसी लोगों को ट्रिगर किया और उनकी तरफ से रद्द अमल आया, क्रिएटिव रिस्पांस आया गुफ्तगू में, लोगों ने दौरान गुफ्तगू उस पे बात की और क्रिएटिव रिस्पांस एक आया, ह्यूमर में उसका एक रिस्पांस हमें मिला, तो वो पंजाबी वाला तो बहुत कंटेंट शेयर हो चुका है, सबने हिंदुस्तान पाकिस्तान में देख लिया है, लेकिन मेरे पास एक वीडियो आया सलोनी गौर का एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड वेरी टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमिक फ्रॉम इंडिया। Let's watch the video. जी जी जी. अरे भैया मैं तो भगी भगी आ रही हूँ, सुनने में आई कि एलिजा की बहू विभीषण बन गई। अब देखो जी वैसे तो घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए, हमारी सास थी हमें घर में खूब मारती थी, ताने थप्पड़ कभी नहीं मार पाई, मेरे पापा ने दहेज की इंस्टॉलमेंट हर महीने एकदम सही टाइम पे भरी है, लेकिन इतनी सी बात पे मैंने तो कोई अमर उजाला को इंटरव्यू नहीं दे दिया, और चलो पूछ लिया बच्चे का रंग तो उसमें क्या दिक्कत हो गई, दोनों रंग ऊपर वाले के ही बनाए हुए हैं, अब वो हमारे ऊपर है कि हमें पसंद गोरा ही आता है, लेकिन इतना रेसिज्म तो चलता है घर परिवार में, अरे उस बेचारी बूढ़ी रानी का तो ख्याल कर लेती, एक पैर बेचारी का कब्र में दूसरा केले के छिलके पे, बिल्कुल लिहाज नहीं किया, कल को घर में तीज त्योहार पे अब क्या मजा आएगा, कुछ नहीं,
कल को केट के बच्चों की शादी होगी, सब पूछेंगे जी चाची कहाँ है बच्चों की, क्या जवाब देंगे? अरे घर की इज्जत तो बहुओं के हाथ में ही होती है, लेकिन ये आजकल की बहुएं तो अपने इंस्टाग्राम के बायो पे प्राउडली लिख के आती है आई एम क्लमजी एएफ। अरे तुम्हें कोई कमी थी क्या उस घर में? अच्छा खाने पहनने को मिल रहा है, सारा काम करा कराया मिल रहा है, यहाँ हमसे पूछो हमारी सास का बस चला तो बाथरूम भी अपनी जगह मुझे ही भेज दे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गुड्डो के पापा को लेकर अलग घर में चली जाऊं। देखो जी ना तो हमारे पास 450 मिलियन है जाने के लिए, और जाऊं भी क्यों, हमारा भी तो आधा हिस्सा है घर में। सही दिखाया था बच्चन भाई साहब ने बागबान में, औलाद होती ही निकम्मी है, शादी से पहले ही लड़ ली अपनी जेठानी से, कोई बात है? अरे ज्यादा पढ़ लिख जाओ ना तो दिमाग खराब हो जाता है। वैसे गलती रानी की भी है, जब दिख गई थी कि छोटी वाली के आने से घर में लड़ाई बाज रही है तो पहले दोनों की रसोई अलग कर देती। इन विदेशी बहुओं को तो हमसे कुछ सीखना चाहिए। प्रियंका बेटी को देख लो, पराई देश गई थी छोटी बहू बन के, लेकिन मजा ले कभी सुनी हो कि केविन की बहू से उसकी लड़ाई हो गई। इन विदेशी बहुओं का तो ईमान धर्म छोड़ो कोई डायमेंशन ही नहीं है। जी। एक बात मैं कहना चाहूंगी सलोनी गौर के तर्जुमे के बारे में, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन के बारे में, इस पूरे सास बहू का जो फड्डा है, इफ आई मे यूज वेरी देसी लैंग्वेज, तो उसमें ये है कि यू नो शबाना आजमी साहिबा ने एक बार मुझसे कहा था, मैं उनसे उनसे कभी एक बार मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने उनसे पूछा था कि शबाना साहिबा कभी कभी आपको ऐसे किरदार भी मिलते होंगे निभाने को जिनके उसूलों से आप ज़ाती तौर पर मुत्तफिक नहीं हैं, तो इस किस्म की पेट्रियार्कल औरत जिसको सलोनी गौर ने इस मजाया वीडियो में प्ले किया है, दकियानूसी किस्म की टिपिकल सी सास, जल्लाद किस्म की सास जो एक स्टेरियोटाइप भी है, तो उसको इस किस्म का आपको किरदार मिलता है जिसके उसूलों से आप ज़ाती तौर पे मुत्तफिक नहीं, तो आप उसको कैसे प्ले करती हैं? तो शबाना साहिबा ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, एंड शी सेड दैट व्हेनेवर आई एम आस्क्ड टू प्ले अ कैरेक्टर हुज वैल्यूज डोंट रेजोनेट विद माइन, I play her in such a way that those values are either discredited or rendered ridiculous or repulsive. तो अगर मुझे कोई ऐसा किरदार निभाना पड़ता है जिसके उसूलों को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहती, उस तरह के उसूलों को, तो मैं इस तरह से उस किरदार को निभाती हूँ कि लोगों को उस पर हंसी आती है, या वो किरदार फिर अफलातून लगता है, उस तरह की सोच अफलातून लगती है। तो सलोनी गौर ने किस तरह से पेट्रियार्की, पितरशाही जिसके हम सब शिकार होते हैं कभी ना कभी, तो पितरशाही में फिर पेट्रियार्कल औरतें भी होती हैं, पेट्रियार्कल मर्द भी हो सकता है, पेट्रियार्कल औरत भी हो सकती है, फेमिनिस्ट मर्द भी हो सकता है, फेमिनिस्ट औरत भी हो सकती है, तो किस तरह से उन्होंने पेट्रियार्कल औरतों का जो टेकडाउन किया है, बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से, बड़ा क्रिएटिव उसका एक तर्जुमा उन्होंने किया है, क्योंकि एज अ पंजाबी वन कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे गाने होते हैं शादियों में, ऐसे गाने होते हैं कि सस लड़िया ना कर, एवं सड़िया ना कर, कदी तू भी होंदी सी मुटियार, और तभी हमारा वो ड्रामा भी है लॉन्गेस्ट रनिंग स्टार प्लस सोप, आपने स्टार प्लस सोप्स का हवाला दिया कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वो सास को ये याद दिलाना कि भाई तू भी कभी बहू थी, कभी तू भी होंदी सी मुटियार। बहुत सारे फोक गीत है इस तरह के। जी और जी, मेरे ख्याल से गुरमेहर हमें आज का ये वाइंड अप करना पड़ेगा। जी जी जी, तो मैं चाहता हूँ कि हम आखिर में जो आपने आज निकाली, कल बल्कि गुलजार जी की एक बहुत ही प्यारी वीडियो और उनका उनका पैगाम, मैं चाहता हूँ हम उस पर कंक्लूड करें आज। जी बिल्कुल, प्ले कर दीजिए और फिर हम सबसे इजाजत ले लेंगे उसके बाद। आंखों को वीजा नहीं लगता है, सपनों की सरहद होती नहीं, बंद आंखों से रोज में सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहंदी हसन से, सुनता हूँ उनकी आवाज को चोट लगी है, अब कहते हैं सूख गए हैं फूल किताबों में, यार फराज भी बिछड़ गए हैं शायद मिले वो ख्वाबों में, बंद आंखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहंदी हसन से, आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। वाह जी वाह, गुलजार साहब क्या कह रहे हैं। तो इसी के साथ हम अपने व्यूअर्स से इजाजत लेंगे। गुरमेहर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग, और हमारी मॉर्निंग है वहां पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में शाम है इस वक्त, तो और अगले सैटरडे को हम फिर मिलेंगे, और खुदा हाफिज़।